अस्सलाम वालेकुम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज हम फैक्टोरियल की कोडिंग करेंगे। फैक्टोरियल कैसे कोड करते हैं, फैक्टोरियल की पीछे क्या कहानी है, वो हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 5 फैक्टोरियल की। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल में क्या होता है कि 5 अपने 5 डिक्रीमेंट होता रहता है और अपने डिक्रीमेंटेड वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे 5, 4 ज़ा 20, 20, 3 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 और 121 ज़ा 120। सो कैलकुलेटर पे भी अगर आप चेक करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 120 रिज़ल्ट देता है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या किया जाए ताकि हम इसको कोड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 को एक्स रजिस्टर में डाल लेते हैं, क्योंकि हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 5 को एक्स रजिस्टर में डाल लेते हैं। तो अब इन सब वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करें, तो इन सब वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हमें एक टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी, सो दैट हम ना इसको इजीली हमारे फैक्टोरियल को फाइंड कर सकेंगे, और इसके लिए ज़्यादा कोडिंग भी दरकार नहीं होगी। तो हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ax में 5 ले लिया है और bx में 4 ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि ax में तो रिज़ल्ट स्टोर होता है, ये भी आपको मालूम होगा कि हमारा कुछ भी प्रोसीजर ऑपरेशन हो तो हमारा रिज़ल्ट ax या al में आता है, तो ax में आता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल bx में 4 लिया और हमारे पास ax में तो 5 है, तो ax में क्योंकि हमें पता है कि रिज़ल्ट भी होता है, हमारा ये जो 4 है ये तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये लेकिन बाकी कैसे वैल्यूज़ आएंगी, तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट लगाएंगे, DEC डिक्रीमेंट BX, ये जो भी हमारा नंबर है जो भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट BX से क्या हो रहा है। डिक्रीमेंट BX से BX में 3 आ गया, जो कि 5, 4 ज़ा 20 हुआ, तो 20 रिज़ल्ट में आ गया था, 20 मतलब AX में आ गया था, जो कि अब 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा, तो हमारे पास 60 आ गया। फिर डिक्रीमेंट दोबारा किया, डिक्रीमेंट दोबारा यहाँ पे हो गया, और फिर क्या BX में वैल्यू आ गई 2, फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर BX में वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ये हमारे 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 जो है ये 60 के साथ मल्टीप्लाई करके जो 120 रिज़ल्ट आया था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 120 ही आएगा, तो हमारा 5 का फैक्टोरियल क्या बना, 120। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताया कि हम आगे करने क्या वाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कोडिंग के थ्रू। ओके, मैंने थोड़ा सा सिंटैक्स लिखा है, तो सिंटैक्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डॉट मॉडल स्मॉल स्टैक 64, इसके बाद डाटा लेते हैं, कोड मेन प्रॉक, और अगर आपने डाटा यूज़ किया है तो आप ये दो लाइंस लिखेंगे। ये डाटा को डाटा सेगमेंट से रेफरेंस करता है। ठीक है, डाटा अब ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं हमने किया, वो उसकी वजह ये है कि डाटा जो डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है वो डेटा सेगमेंट या सेगमेंट में पॉसिबल नहीं होती, तो इसके लिए हमें पहले इसको रजिस्टर में रखवाना पड़ेगा और रजिस्टर से डेटा सेगमेंट से इसको लिंक करेंगे। और अब हम अपना डेटा लेते हैं, डेटा वेरिएबल लिया एन, डिफाइन बाइट 5 लेते हैं। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल आज हम फाइंड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपना अपने रजिस्टर लेते हैं एक, मूव फॉर एग्ज़ाम्पल ax ले लिया, उसमें हमारी वैल्यू डालते हैं जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। और उसके बाद हम अपनी एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे फैक्टोरियल की वैल्यूज़ को काउंट करेगी, कि ये हमारा लूप की वैल्यू लूप चलाएगी हमारा। ठीक है,
लेकिन लूप के बारे में मैं आपको बात समझाना चाहूँगी कि अगर हमने 5 फोर्स किया था तो 20 आया था, फिर हमने 23 किया तो 60 आया, 62 किया तो 120 आया, 121 120। इसका मतलब ये कि ये लूप 4 दफ़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो अगर हमने सी एक्स को एज अ काउंटर यूज़ किया है तो हमने यहाँ पे 5 इसमें पुट कर दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट सी एक्स। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं वो ए एक्स में आएगी ताकि उसका फैक्टोरियल फाइंड किया जाए, और सी एक्स में आएगी ताकि उसका काउंट लूप लूप के लिए काउंटर रखा जाए। तो जब जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, अभी हमें एक लूप चाहिए होगा किस चीज़ के लिए, मैंने आपको बताया था कि हमें ये डिक्रीजिंग वैल्यूज़ के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि हमें ये डिक्रीजिंग वैल्यूज़ मिलें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, फैक्टोरियल का लूप लगाते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें सबसे पहले जो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेना क्या है, जिसको हमें डिक्रीज़ करना है। मैं यहाँ पर एन को ही ले रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि एन जो है वो 5 है, तो मैं यहाँ पे एन को एक बार डिक्रीज़ कर रही हूँ ताकि वो 4 हो जाए। अब एन जो है वो 4 हो गया है, 5 तो हमारे पास ए एक्स में है ही, और एन में अब 4 हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए मल की इंस्ट्रक्शन होती है, मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हम मल यूज़ करेंगे। और मल क्या करेंगे, मल के साथ जो भी आप वैल्यू लिखेंगे रजिस्टर या वैल्यू, तो वो आपके एक्स रजिस्टर में पड़े हुए वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ए एक्स में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मल एन किया, हमें 4 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, वो थोड़ा सा साइड पे रह गया ऊपर वाला। हाँ, तो हमारे पास ए एक्स में 5 है, और हमारे पास जो 4 है वो भी होनी चाहिए थी, होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पर एन में 4 रखा और मल्टीप्लाई करवा दिया एन को ए एक्स से। एन ऑटोमेटिकली ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एन है और ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो भी एक्स में ही है। और यहाँ पर हम डिक्रीमेंट सी एक्स भी करेंगे ताकि जब ये वैल्यू ताकि हम ये लूप सिर्फ उतनी बार चला सकें, सिर्फ ये हम 1 तक चला सकें। तो 1 तक चलाने के लिए लूप को कितनी बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4, लूप को 4 मरतबा चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए सी एक्स में तो हमें मालूम है कि सी एक्स में 4 है, तो ये लूप 4 बार ही चलेगा। लेकिन उसके लिए हमें जंप की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, जंप नॉट ज़ीरो। और यहाँ पे वापस हम अपना लेबल का नेम लिख देंगे। जंप नॉट ज़ीरो क्या कर रहा है, जंप मतलब लूप तब तक चले नॉट ज़ीरो जब तक सी एक्स में वैल्यू जो है वो 0 ना हो जाए। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, जो बिल्कुल इसके पहले वाली इंस्ट्रक्शन होती है, जंप से पहले वाली, उसके रजिस्टर में जो वैल्यू है वो 0 ना हो जाए तब तक ये लूप लेबल काम करेगा, ये जंप काम करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एन में तो आपको पता है 4 है और ए एक्स में 5 है, तो अब क्या होगा, मल एन जब आप करेंगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर 20, और ये ए एक्स में चला जाएगा। अब ए एक्स में 20 पड़ा है, तो दोबारा लूप और डिक्रीमेंट सी एक्स होगा। सी एक्स को क्या हुआ है कि सी एक्स
ओके, मैं आपको बता रही थी कि AX में हमारे पास 5 है और N में हमारे पास 4 है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेप्स के साथ साथ कमेंटिंग भी कर दी है। तो अब मान लेना आप करेंगे तो जो भी N में है वो AX के अंदर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे AX के अंदर 5 था, N के अंदर 4 था, तो मान लेना N से क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। और इसका आंसर क्या आया, 20। और CX में इस वक्त क्या था हमारे पास, 4। ये स्टेप होने से पहले CX में 4 था, लेकिन इस स्टेप होने के बाद डिक्रीमेंट CX हुआ, माल एन होने के बाद डिक्रीमेंट CX हुआ, और फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 3। अब दोबारा लूप चला, क्योंकि CX में अब 3 है तो जंप नॉट 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और वो दोबारा जंप किया अपने लेबल पे और डिक्रीमेंट एन हो गया। एन में क्या आ गया, 3। और जो AX था, AX में 20 था। हमारा रिजल्ट जो जो भी होता है वो AX में स्टोर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट AX में आ गया। अब AX में 20 है और मल एन किया, जो भी एन में है, मतलब जो भी AX में है एन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AX में क्या है, AX में 20 है और एन जो था हमारा 3 हो गया था। अब 23 था 60, हमारे एक्स में अब 60 आ गया। अब क्या हुआ, डिक्रीमेंट CX, अब CX हो गया 2। फिर क्या हुआ, 60 है हमारे एक्स में और उसने चेक किया कि क्या CX में 0 है, नहीं CX में 0 नहीं है, 2 है इस वक्त, तो वो दोबारा जंप कर गया, डिक्रीमेंट एन हुआ, एन 2 हो गया। रिजल्ट क्या आया, मल एन करवाया और उससे जो रिजल्ट आया वो 60 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 260 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 120 आ गया। और फिर डिक्रीमेंट CX 1 और जंप नॉट 0, नो अभी भी 1 है, तो दोबारा जंप, डिक्रीमेंट एन, एन डिक्रीमेंट हो गया। मल एन, एन ने AX की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना था, AX में क्या था, 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120। फिर क्या हुआ, डिक्रीमेंट CX, अब ये 0 हो गया है। तो जब ये 0 हो गया है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो जो हमारा कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, अब हमारा यहाँ तक हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था, अब सिर्फ प्रिंट होने की बात रहेगी। तो ये सारा कोड मैंने प्रिंटिंग के लिए लिखा है। तो ये मैं आपको कोड अभी समझाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले वाली सारी टेक्निक की समझ आ गई है। तो अब मैं आपको प्रिंट के लिए कोड समझाती हूँ। हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, मतलब डॉस बॉक्स, मैं डॉस बॉक्स यूज़ करती हूँ, तो जो डॉस बॉक्स है उसमें एज इट इज़ वैल्यू जो रजिस्टर की है या आस्की में हेक्सा में जो होती है वो प्रिंट नहीं होती, मतलब गलत प्रिंट हो जाती है, हमें एग्जैक्ट करेक्टर नहीं मिलता। तो हम एग्जैक्ट करेक्ट लेने के लिए हम हमारी जो रिज़ल्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट सारा AX में जाता है ऑटोमेटिकली, तो हमारा रिज़ल्ट इस वक्त AX में पड़ा है और जो रिज़ल्ट होता है उसके अंदर 30H ऐड करते हैं, तो हमारे डेसिमल वैल्यू या करेक्टर जिसको आप कहते हैं वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है, प्रिंट होने के प्रिंट का कोड लिख के वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो प्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं कि जो जिस रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है उसको DX में डालना होता है और जो भी DX में वैल्यू होती है वो वही प्रिंट होती है। तो मूव एच कोमा टू इंटरप्ट 21H, ये प्रिंट करेक्टर का कोड है। आपने कोई करेक्टर प्रिंट करवाना है तो आप लिखेंगे मूव एच कोमा टू इंटरप्ट 21H और DX में कुछ जो भी प्रिंट करवाना है वो DX में डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे AX डाला है, ऐड करवाया आपने 30H AX में और उसको DX में डाल दिया और ये कमांड लगा दी, तो आपका जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो प्रिंट हो जाएगा। और ये अब हमने एग्जिट कॉल कर दिया एक तरह से, डॉस एग्जिट मूव एच कोमा 4CH इंटरप्ट 21H मेन एंड पी एंड मेन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं आपको कोड का एक बार व्यू दे देती हूँ।
ओके, अल्लाह हाफिज़।